गुड मॉर्निंग क्लास, देवभूमि आई एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का भूगोल, और उत्तराखंड के भूगोल में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 यानी वन रिपोर्ट 2019। भारत सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से जो वर्तमान में वन रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में वनों का प्रतिशत और उसके क्षेत्रफल पर विचार करना है। लेकिन इससे भी पहले हमारे दिमाग में जो प्रश्न चल रहे हैं या चलते हैं वो ये कि पहली वन रिपोर्ट जारी कब की गई थी, और जो वर्तमान वन रिपोर्ट है वो कौन से नंबर की वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट जारी कौन करता है, और इसके अलावा राष्ट्रीय वन नीति क्या कहती है, और ब्रिटिश भारत के बाद स्वतंत्र भारत में जो वनों के पुनरुत्थान या वनों के विकास के लिए जो कार्य किए गए वो कौन कौन से थे। तो चलते हैं सबसे पहले 1815 और 16 की सुगोली या संगोली की संधि के तहत जब उत्तराखंड में ब्रिटिशों का अधिकार हो गया था, तो उत्तराखंड में वनों से संबंधित जो आर्थिक दोहन होने लगा वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। चूंकि उत्तराखंड में अंग्रेजों के लिए सोर्स ऑफ इनकम के रूप में वन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन इनका अनैतिक तरीके से दोहन होने लगा, इसीलिए 1894 यानी 1894 में वाइलकर के नेतृत्व में पहली वन नीति जारी की गई थी, जिसमें वृक्षारोपण के अलावा वनों के अनैतिक दोहन पर रोक लगाने की बात कही गई थी। वन अधिनियम 1927 के तहत पहली बार 1931 में वन पंचायत कानून लागू किए गए थे, और फिर भारत की आज़ादी के बाद 1952 में के एम मुंशी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में वन महोत्सव कार्यक्रम चलाए गए थे, जिनका उद्देश्य था वृक्षारोपण, वनों के अनैतिक दोहन को रोकना। तो वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत यह कहा गया था कि प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाए। इसके बाद 1981 में यानी 1981 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ, जिसने 1987 में पहली वन रिपोर्ट जारी की थी, और तब से लेकर अब तक लगातार 16 यानी 16 वन रिपोर्ट जारी की जा चुकी है 1987 से लेकर 2019 तक। इसके अलावा राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत यह कहा गया है कि किसी भी देश के कुल भूभाग के 33% भाग पर वन होने चाहिए, जिसमें से 25% वन मैदानी भागों में और 60% वन पहाड़ी क्षेत्र में होने चाहिए। अब राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र वाला राज्य है, जिसमें 60% वन है कि नहीं, इस पर अध्ययन करने के लिए मैं 2019 की रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले ये कि जो उत्तराखंड में वन प्रतिशत या घनत्व है उसका आधार क्या है, तो सबसे पहले 2019 वन घनत्व 2019 की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार इसके दो आधार हैं। एक तो वन आच्छादन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, दूसरा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र यानी ट्री कवर एरिया कितना है। तो इसको मैं दो भागों में बांटूंगा। एक तो है आपके पास वन आच्छादन क्षेत्र, वन आच्छादन एरिया यानी फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर एरिया, ठीक है। दूसरा होता है वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, वृक्ष आच्छादन ट्री कवर एरिया, ठीक है। अब वृक्ष आच्छादन और वन आच्छादन का क्या मतलब है,
तो सबसे पहले जो वन आच्छादन यानी फॉरेस्ट कवर एरिया है उसका मतलब है किसी भी निश्चित क्षेत्र में वनों का घनत्व 10% से अधिक, यानी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जब वन घनत्व 10% से अधिक होता है तो उसे वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कहते हैं। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वनों की उपस्थिति होना वृक्ष आच्छादन क्षेत्र है, यानी पेड़ों की उपस्थिति होना वो वृक्ष आच्छादन क्षेत्र है। लेकिन हम जो यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो 2017 और 2019 की रिपोर्ट होगी दोनों, ताकि हम उसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकें। तो मैं सबसे पहले फॉरेस्ट कवर एरिया के अंतर्गत 2017 और 2019 के आंकड़े रखता हूं। 2017 और 2019 इसी प्रकार ट्री कवर एरिया में भी 2017 की रिपोर्ट के आंकड़े और 2019 की रिपोर्ट के आंकड़े। अब इसमें भी ये है कि 2017 और 19 में जो वन प्रतिशत और क्षेत्रफल रहा होगा वो अलग अलग रहा होगा, और वन क्षेत्रफल में और प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई है वो आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो इसमें भी 2017 की रिपोर्ट में दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो है क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है, एक है प्रतिशत। उसी प्रकार 2019 में भी क्षेत्रफल और प्रतिशत, अर्थात वन आच्छादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2017 में वनों का क्षेत्रफल कितना था और उनकी प्रतिशतता कितनी थी, 2019 में कितने की वृद्धि हुई है, ये हमारा टॉपिक है खास 2019 का। इसी प्रकार हमें यहां भी देखना है 2017 में, यानी 2017 में वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल कितना था और उसकी प्रतिशतता कितनी थी। उसी प्रकार 2019 का भी आंकड़ा हमारे सामने, क्षेत्रफल कितना रहा और प्रतिशत कितने की वृद्धि हुई है, ठीक है, ये आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो क्षेत्रफल है ये है 24,295 वर्ग किलोमीटर, 24,295 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यानी 2017 में जो उत्तराखंड का वृक्ष आच्छादन क्षेत्र था वो 24,295 वर्ग किलोमीटर था, तो उसमें जितने की वृद्धि हुई है तो वो हमारा टॉपिक। तो वृद्धि अगर देखेंगे तो यहां पर वृद्धि हमने लिखनी है, ये आया है 24,303.04% की वृद्धि हुई है, सॉरी क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। यानी जो 24,295 था ये हुआ है 24,303.04, ठीक है। ऐसे ही प्रतिशत की बात की जाए तो ये प्रतिशत वृद्धि रही है 45.43, यानी 2017 में जो 45.43% था ये बढ़कर हुआ है 45.44, यानी 45.44% की वृद्धि। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्षेत्रफल में जितने की वृद्धि हुई है ये देखिए और प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई है, ठीक है, क्योंकि हमें 2019 के आंकड़े चाहिए होते हैं। अब ऐसे ही अगर वृक्ष आच्छादन क्षेत्र है तो उसके आंकड़े भी हमारे सामने रहेंगे, लेकिन जो हमारा प्रश्न था कि 2017 और 2019 के मध्य क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है और प्रतिशत में कितने की वृद्धि है, इस आंकड़े से आप इसके सामने रख सकते हैं। अगर इसके प्रतिशत में वृद्धि देखी जाए यह है 45.43, 45.44, यानी इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आएगा 0.01% की वृद्धि। यानी 2017 और 2019 में उत्तराखंड के वृक्ष आच्छादन प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है वो 0.01% की वृद्धि हुई है, क्लियर है। दूसरा, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करेंगे कि 2017 और 2019 के जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है तो वो आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, 24,303.04 में से 24,295 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 8.04% वृद्धि, सॉरी क्षेत्रफल में वृद्धि वर्ग किलोमीटर,
क्षेत्रफल में वृद्धि 8.04 और प्रतिशत में वृद्धि 0.01%। क्लियर है आंकड़ा हमारे सामने। ऐसे ही अगर वृक्ष आच्छादन क्षेत्र देखा जाए तो 2017 में जो वृक्ष आच्छादन क्षेत्र था ये था 767 वर्ग किलोमीटर, 767 वर्ग किलोमीटर, और जिसका प्रतिशत था लगभग 1.43, 1.43%। ठीक है, अब इसमें कितने की वृद्धि हुई है तो मैं आपके सामने रखता हूं। 867 बढ़कर हुआ है 841 वर्ग किलोमीटर, और 1.43 हुआ है 1.57% की वृद्धि हुई। अगर क्षेत्रफल में वृद्धि देखी जाए, ये देखिए, तो ये लगभग 74 वर्ग किलोमीटर की, मतलब कि 2017 में जो वृक्ष आच्छादन क्षेत्र था वो 667 वर्ग किलोमीटर था, और 2019 में बढ़कर हो गया 841, अर्थात 74 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अगर आप प्रतिशत वृद्धि देखेंगे कि 2017 और 2019 के दोनों के प्रतिशत में वृद्धि अगर देखेंगे तो ये 0.14 ये हुई है 0.14, अर्थात आप इसमें से यानी 1.57 में से 1.43 माइनस करेंगे तो ये है आपका प्रतिशत। ठीक है, ये दो प्रश्न आपके सामने। ये था हमारा वृक्ष यानी फॉरेस्ट कवर एरिया और ट्री कवर एरिया में कितने की वृद्धि हुई है और क्या हुआ है। ठीक है, अगर इन दोनों को देखा जाए यानी वृक्ष वन आच्छादन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र दोनों को मिला जाए तो इस सब को ही वन घनत्व कहा जाता है। अब वन घनत्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो इसके लिए हमें फिर से यहां पर मैं इसे रखता हूं। अगर वन आच्छादन क्षेत्र आप कहेंगे टोटल वर्तमान में जो हुआ है यह है 45.44, ठीक है, और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र जो वर्तमान में है 1.57, ठीक है, यह टोटल वन घनत्व होता है। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो यह आएगा 47.01% की वृद्धि, यानी उत्तराखंड का वर्तमान वन घनत्व अगर टोटल देखा जाए यानी वन आच्छादन और वृक्ष आच्छादन होगा वो होगा 47.01%। ठीक है, ये उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन प्रतिशत नहीं है, ये केवल उत्तराखंड का वन घनत्व है जिसमें वृक्ष आच्छादन ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों को मिलाया गया है, और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो ये होगा लगभग 25,144 वर्ग किलोमीटर में, 25,144 वर्ग किलोमीटर, अर्थात उत्तराखंड में वर्तमान वन रिपोर्ट के अनुसार 25,144 वर्ग किलोमीटर में वन है, और जो कि कुल वन का 47.01% है। क्लियर है, ये थी वन घनत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए। अगर इस वन घनत्व के दृष्टिकोण को आधार माना जाए तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वन कहाँ है ये देखना है, तो हमें उत्तराखंड के 13 जिलों की ओर चलते हैं कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल और वन प्रतिशत कहाँ है। तो इसके लिए मानचित्र की मदद दी जा रही है। देखिए उत्तराखंड के 13 जिलों में हमारे जो प्रश्न लाने हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो उत्तराखंड के जिले मानचित्र आपके सामने, इसमें यह हो सकता है कि अगर वन घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन होगा और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन होगा, तीसरा सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन होगा और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन होगा। तो मैं यहां पर मानचित्र के माध्यम से प्रश्न रखता हूं। सबसे पहला, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, इस मानचित्र को देखा जाए तो इसमें दो या तीन सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन 1, 2, 3, सबसे पहले होगा पौड़ी गढ़वाल, दूसरा होगा उत्तरकाशी,
जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल अर्थात जिन जिलों में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है वो हमारे पास प्रश्न। और तीसरा होगा कुमाऊं का जिला नैनीताल, ठीक है, अर्थात पौड़ी गढ़वाल वो जिला है जहां वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगर कुमाऊं का कहे तो नैनीताल, मैं यहां पर लिखूंगा कुमाऊं। तो प्रश्न दो आपके सामने है, अगर उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला तो पौड़ी गढ़वाल, ये देखिए सामने मैप है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला। दूसरा अगर कुमाऊं का पूछे तो नैनीताल है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है कि सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले, दूसरा सबसे कम वन क्षेत्रफल देखते हैं, एक दो तीन मान उत्तराखंड के मानचित्र की मदद से सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले उद्धम सिंह नगर, यानी जहां वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, ये तीन वो नाम हैं जहां उत्तराखंड में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। अर्थात ये प्रश्न आपके सामने, ये कुमाऊं, अगर ये कहे कि उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला तो आप उद्धम सिंह नगर कह सकते हैं, जो कि कुमाऊं का भी होगा। उसके अलावा अगर गढ़वाल का कहे तो हरिद्वार होगा, गढ़वाल का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला। लेकिन अगर टोटल उत्तराखंड का कहे तो उद्धम सिंह नगर ही होगा। तो ये आपके पास दो प्रश्न, ठीक है। इसी प्रकार अगर प्रतिशतता देखी जाए कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, तो मैं तीसरा प्रश्न आपको नोट कराता हूं। अब चलते हैं इसके प्रतिशत पर, तीसरा स्थान सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले यानी उत्तराखंड के सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ होगा। तो सबसे पहले आना चाहिए नैनीताल, उसके अलावा चंपावत, और तीसरे नंबर पर पौड़ी गढ़वाल यानी गढ़वाल का। उत्तराखंड का सर्वाधिक वन प्रतिशत कहेगा तो नैनीताल होगा, अगर गढ़वाल का कहेगा तो फिर पौड़ी होगा, ठीक है। प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न और इनडायरेक्ट प्रश्न, तो नैनीताल को मैं कवर करूंगा, ठीक है। यानी सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला। एक प्रश्न और हमारे पास कि सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला, ठीक है। तो चौथा पॉइंट, सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले, एक दो तीन। अब बात हो रही है प्रतिशत की, तो सबसे कम वन प्रतिशत भी अगर कहेगा तो उद्धम सिंह नगर ही होगा, उद्धम सिंह नगर, ठीक है, जो कि कुमाऊं का भी है और उत्तराखंड का भी। और दूसरा नाम कहेगा तो हरिद्वार ही होगा। उद्धम सिंह नगर जो कि सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला है, इसके अलावा हरिद्वार और जो दूसरे स्थान पर है, और तीसरा जो जिला होगा वो है पिथौरागढ़, ठीक है। अगर गढ़वाल का कहेगा तो ये गढ़वाल। प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला तो उद्धम सिंह नगर, जो कि पहले से हमने डार कर रखा है। इसके अलावा अगर गढ़वाल का कहे तो गढ़वाल का होगा हरिद्वार, यानी हरिद्वार, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रश्न आए, तो चार प्रश्न हमारे सामने हैं। और इस डायग्राम की मदद से चार प्रश्न, यानी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला, ठीक है, इस मानचित्र की मदद से। इसके अलावा वर्तमान वन रिपोर्ट में जो दो और प्रश्न बनाए गए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ इसी मानचित्र की मदद से।
वो दो प्रश्न ये हैं कि वर्ष 2017 की रिपोर्ट यानी 15वीं वार्षिक रिपोर्ट और 2019 की रिपोर्ट यानी 16वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट, इसके अंतर्गत यानी 2017 से लेकर 2019 तक वन प्रतिशत में सबसे कमी कहाँ हुई है और वन क्षेत्रफल में सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है। तो पांचवा पॉइंट हमारे पास है 2017 से लेकर 19 के मध्य सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, यानी 2017 और 19 के मध्य दो सालों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ हुई है, तो मैं कहूँगा उत्तरकाशी में हुई है। यानी पिछले दो वर्षों में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि उत्तरकाशी में हुई है, तो मैं उत्तरकाशी को भी डार्क कर देता हूँ। ठीक है, एक और प्रश्न यहाँ पर छठा, 2017 से लेकर 19 तक के मध्य वन प्रतिशत में सबसे कमी ये होगा नैनीताल, यानी पिछले दो वर्षों में वन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी, तो नैनीताल फिर से पहले से डार्क है। ये छह प्रश्न आपके सामने, ठीक है। तो यानी वर्तमान वन रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल प्रतिशत में सर्वाधिक और सबसे कम वन प्रतिशत और क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, वो छह के छह प्रश्न आपके सामने हैं। इसके अलावा वन आच्छादन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र का प्रतिशत और क्षेत्रफल कितना है, ये मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर वन घनत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इसी वन घनत्व के दृष्टिकोण से वनों के प्रकार, तो यहीं पर मैं वन घनत्व मैंने लिखा है, यहां पर प्रकार लिख देता हूं सीधा, कि वन घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वनों के कितने प्रकार हैं। वन घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में वनों के तीन प्रकार हैं। उत्तराखंड क्या किसी भी क्षेत्र में वन घनत्व की दृष्टि से वनों के तीन प्रकार होंगे, अति सघन वन, अति सघन वन एंड वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरा मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन। कैसे पता चलेगा कि अति सघन वन है, यानी यहां सघनता 70% से अधिक होगी, मतलब मध्यम सघन वन और खुले वन, तीसरा है खुले वन यानी ओपन, ठीक है। तीन प्रकार सघनता के यानी घनत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वन तीन प्रकार के हैं, अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। ये एक और प्रश्न आपके सामने आ गया, अति सघन वन का मतलब है सघनता 70% से अधिक, 70% से अधिक या 70% तक, यानी जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में वनों की सघनता 70% या उससे अधिक हो उसे अति सघन वन कहते हैं। मध्यम सघन वन, वनों की सघनता लगभग 40-50% या फिर 40-70% तक, ये भी कहा जा सकता है। और खुले वन, जहां वनों की सघनता 10-40% तक सघनता है जहां, ठीक है। ये सघनता के दृष्टिकोण से वनों को बांटा गया है कि अति सघन वन कौन होंगे, मध्यम सघन वन कौन होंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड में अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले सघन वनों का प्रतिशत क्या है, इसके आधार पर भी अगर देखा जाए कि 2017 में कितने थे और 2019 में कितने हैं, ऐसे ही मध्यम सघन वन देखा जाए तो 2017 में क्या आंकड़ा था और 2019 में क्या आंकड़ा है, तथा खुले वनों का आंकड़ा देखा जाए तो 2000
17 और 2019 में, पिछले दो वर्षों में वनों की सघनता में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, वो आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो इसमें अगर देखा जाए 2017 में तो ये 20.45%, यानी 2017 में जो अति सघन वनों का प्रतिशत था उत्तराखंड में वो 20.45%, यानी 20.45% था, जो घटकर 9.44% हो चुका है। ठीक है, यानी अति सघन वनों की सघनता घटी है, 20.45 से घटकर 9.44% हो गई है। इसी प्रकार मध्यम सघन वन की बात करेंगे तो लगभग 53.03%, जो कि 2017 में थी, और वो घटकर लगभग 23.94% के आसपास हुई है। इससे आप अनुमान लगा जा सकते हैं कि उत्तराखंड में अति सघन, मध्यम सघन या खुले वनों की प्रतिशतता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और लगभग 26.52% से घटकर 12.06% हो चुकी है। अर्थात जो हमारा क्वेश्चन है कि 2019 में उत्तराखंड में अति सघन वन कितने थे, तो आप कहोगे 9.44%, मध्यम सघन वन कितने थे 23.94%, और खुले वन ओपन फॉरेस्ट कितने थे तो 12.06%। ठीक है, ये हमारा वन घनत्व के दृष्टिकोण से वनों के प्रकार थे। अब एक और प्रश्न बनता है कि अगर सर्वाधिक अति सघन वन वाला जिला, सबसे कम अति सघन वन वाला जिला, इस प्रकार के प्रश्न बने हैं, सर्वाधिक मध्य सघन वन वाला जिला और सबसे कम मध्य सघन वन वाला जिला, तो चार प्रश्न यानी छह प्रश्न और हमारे सामने आने वाले हैं। तो मैं फिर से चलता हूं आंकड़ों पर। सघनता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का सर्वाधिक अति सघन वन वाला जिला प्रश्न ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड का सर्वाधिक अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन वाला जिला कि उत्तराखंड के 13 जिलों में से कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक सघन वन वाला जिला है, ये प्रश्न हमारे पास। तो वनों की सघनता वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ वनों की प्रतिशतता ज़्यादा होगी। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि नैनीताल, जहाँ की वनों की प्रतिशतता सबसे अधिक थी, वही उत्तराखंड का सर्वाधिक अति सघन वन वाला जिला होगा। दूसरा, सबसे कम अति सघन वन वाला जिला, अब ये अनुमान लगाया जा सकता है यानी प्रतिशतता से और क्षेत्रफल से, सबसे कम अति सघन वन वाला जिला यहां पर हरिद्वार है। ठीक है, ये दो प्रश्न हमारे। इसके अलावा मध्यम सघन वन की बात करें तो सर्वाधिक मध्यम सघन वन वाला जिला, उत्तराखंड का सर्वाधिक मध्यम सघन वन वाला जिला। और दूसरा प्रश्न, सबसे कम मध्यम सघन वन वाला जिला, यानी चौथा प्रश्न। इसके तीसरा जो पॉइंट हो सकता है वो होगा कि सर्वाधिक निम्न सघन वन वाला जिला, तो यहां पर जो इसका होना चाहिए ये होगा आपका पौड़ी गढ़वाल और उद्धम सिंह नगर, यूएस नगर। और पांचवा प्रश्न, सर्वाधिक खुले वन वाला जिला, उत्तराखंड का सर्वाधिक खुले वन वाला जिला और सबसे कम ओपन फॉरेस्ट वाला जिला। तो इसके लिए भी सबसे पहले पौड़ी और यूएस नगर यानी उद्धम सिंह नगर।
ठीक है, 6 प्रश्न आपके सामने फिर से, ये आंकड़े हैं यानी फैक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रश्न, यानी उत्तराखंड में किस जिले में सर्वाधिक सघन वन है, तो सर्वाधिक अति सघन वन है तो नैनीताल में, सर्वाधिक मध्यम सघन वन है तो पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, और सर्वाधिक खुले वन है तो पौड़ी गढ़वाल। प्रश्न क्लियर है? ये था हमारा सघनता के दृष्टिकोण से जो वनों का प्रतिशत हमने देखा है वो। वन रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो दूसरा पॉइंट हमारा है, वन घनत्व के अलावा अगर रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल यानी उत्तराखंड सरकार के रिकॉर्ड में वनों का क्षेत्रफल और प्रतिशत कितना है, ये दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप वन रिपोर्ट 2019 पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले यही दिखेगा कि उत्तराखंड में वनों का प्रतिशत लगभग 71.05% है, वो केवल रिकॉर्डेड वन एरिया है, अर्थात उत्तराखंड सरकार के सरकारी रिकॉर्ड में जो वन रिकॉर्ड घोषित हो चुके हैं, अर्थात जिन्हें वन घोषित किया जा चुका है, वहां वन हो अथवा नहीं उसे कहा जाता है रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल यानी अभिलेखित वन क्षेत्रफल। तो लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर में रिकॉर्डेड वन एरिया है, जो कि कुल वन कुल क्षेत्रफल का लगभग 71.0 यानी 71.05% है। अगर वन रिकॉर्डेड एरिया के हिसाब से उत्तराखंड में 71.05% पर वन है तो कितने प्रतिशत में वन नहीं है, यानी नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है, नॉन फॉरेस्ट एरिया ये मैं आपके सामने लिखता हूँ, तो ये होगा 28.95%। मतलब ये कि रिकॉर्डेड वन एरिया के हिसाब से उत्तराखंड में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है, जो कि कुल का 71.05% है, और जितना उत्तराखंड में नॉन फॉरेस्ट एरिया है वो केवल 28.95। अगर रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल के अनुसार इसके प्रकार देखा जाए तो प्रकार तो भी तीन ही होंगे, एक तो आरक्षित, आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा संरक्षित प्रोटेक्टेड संरक्षित प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, और तीसरा है अवर्गीकृत अर्थात अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया। तो मैं यहाँ पर सीधा, चूंकि 2017 और 2019 में दोनों रिपोर्टें समान रही हैं, इसलिए मैं केवल 2019 का रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूँ, यानी 2019 में ये रिपोर्ट आनी है 2019 की, जो आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है अभी वो है आपका 69.86%, यानी 69.86% रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उत्तराखंड में वर्तमान में। इसके अलावा संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड एरिया 26.01% और ये है 4.13%, 4.13%, ठीक है, यानी वन रिकॉर्डेड क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया 69.86% है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया 26.01% और अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया है, अवर्गीकृत वन एरिया फॉरेस्ट एरिया है 4.13%, ठीक है। ये था वन घनत्व के दृष्टिकोण से उत्तराखंड में वनों के प्रकार, वन रिकॉर्डेड क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में वनों के प्रकार, तथा वृक्ष आच्छादित और वन आच्छादित क्षेत्र और उनकी प्रतिशतता, यही आज का हमारा टॉपिक है। इसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड में वनों के प्रकार और दूसरा उत्तराखंड में वनों के आंदोलन यानी वनों से संबंधित जो आंदोलन हो रखे हैं, उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोडाइवर्सिटी एरिया, तो ये हमारी दूसरी क्लास होगी, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।